पैसों से संबंधित अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस आसान टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए केवल एक गिलास में थोड़ा सा नमक। और ये नमक आपकी ज़िंदगी की फाइनेंशियल सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद आपको यकीन नहीं होगा कि नमक जैसी मामूली चीज़ को सोने की तरह कीमती माना जाता था और नमक को पैसों को आकर्षित करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में समृद्धि हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप भी अपने जीवन में एबंडेंस को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको चाहिए केवल एक चुटकी भर नमक। कोई मेहनत नहीं, कोई कठिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं, बस एक साधारण सा सीक्रेट जिसे हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो सीक्रेट जब मैं आपको बताऊंगा, तब आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो टेक्निक बताऊं, आइए पहले जानते हैं कि प्राचीन काल में किस तरीके से नमक को सोने की तरह कीमती माना जाता था। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने अपने अभियान के दौरान ये पता लगाया था कि तिब्बत के ऊंचे मैदानों में नमक की भरपूर मात्रा है, जिसे सिक्कों की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने वेनिस शहर को आर्थिक महाशक्ति बना दिया था। ग्रीस उन मुट्ठी भर देशों में से एक था जिसने करेंसी के रूप में नमक का उपयोग करके कुछ व्यापारिक आदान प्रदान किए थे। उनके बिजनेस में स्लेव्स यानी गुलामों के बदले नमक का आदान प्रदान किया जाता था। रोम में नमक का उपयोग सैनिकों को दिए जाने वाले वेतन के एक भाग के रूप में किया जाता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सॉल्ट टैक्स का बहुत चलन था और भारत में आज़ादी की लड़ाई के समय महात्मा गांधी जी ने नमक का इस्तेमाल किया था। मिलिट्री में भी नमक का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि मॉस्को से वापसी के दौरान नेपोलियन के हजारों सैनिक मारे गए क्योंकि नमक की कमी के कारण उनके घाव ठीक नहीं हुए थे। तो नमक केवल एक मसाला नहीं है बल्कि धन और शक्ति का प्रतीक भी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि पैसों को आकर्षित करने के लिए नमक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। अगर हम पैसे की बात ना भी करें तो भी धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति और अनुष्ठानों में नमक का काफ़ी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी का पता लगाने और उसे शुद्ध करने की शक्ति होती है। तो हजारों सालों से इसे नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करने और अच्छे भाग्य को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसों को आकर्षित करने के लिए आपको ये जानना इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नमक से पैसों को आकर्षित करने की जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी पैसों से संबंधित सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो सकती है। और प्राचीन काल में इजिप्ट में नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए एक अनुष्ठान किया जाता था कि जब कोई भी व्यक्ति किसी अभियान के लिए निकलता था, तब नमक का इस्तेमाल करके एक खास प्रकार का अनुष्ठान किया जाता था। उसके बाद ही उसे बियावान रेगिस्तान के लिए जाने दिया जाता था। बौद्ध परंपरा के लोग अपने घर के प्रवेश द्वार में और अपने घर के कोने में नमक रखते थे, ताकि घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाए और कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ पाए। कैरिबियन परिवार के लोग भी ऐसा ही करते हैं और कैथोलिक चर्च में पवित्र जल बनाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। तो इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि नमक को एनर्जी की शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये आपकी मैनिफेस्टेशन में भी मदद कर सकता है। लेकिन आज के ज़माने में हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि केवल एक चुटकी भर नमक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को हमेशा के लिए सुधार सकता है। और आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आपने किस टेक्निक से पैसों को आकर्षित किया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस अपने जीवन में पैसों को आकर्षित करने से मतलब है। तो चलिए जानते हैं कि केवल थोड़े से नमक की एनर्जी की मदद से आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। इस आसान टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए एक बाउल में थोड़ा सा नमक, या फिर आप एक गिलास में भी नमक ले सकते हैं, और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें आपको अपनी इच्छा को लिखना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको ये सोचना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
हो सकता है कि हर महीने आप 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हैं, या फिर आप एक नई जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई नया घर खरीदने की इच्छा रखते हैं, या जो भी आपकी इच्छा है, सबसे पहले आपको एक कागज में अपनी इच्छा को लिखना है और दूसरे स्टेप में उस कागज को अपने नमक के उस बाउल में डाल देना है और फिर उस बाउल को आप अपने घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको विजुलाइज करना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट होने से रोक रही है, नमक की मदद से वो सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। उन सारे प्राचीन शासकों के बारे में सोचें जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया था। इस तरह से कल्पना करें कि ये नमक आपके पास्ट कर्मा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे सारे नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव इमोशंस, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने से रोक रहे हैं, उन सभी का शुद्धिकरण कर रहा है। और आपको पता ही है कि जब बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको रिजल्ट देने में नाकाम हो जाती है, तब इस तरह की छोटी और आसान टेक्निक की मदद से आप बहुत जल्दी रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपको ये टेक्निक कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी एफर्मेशंस ईबुक में मैंने 40 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस टेम्पलेट्स दिए हैं। 4 तरह के एफर्मेशंस बनाना सिखाया है, एफर्मेशंस लिखने के 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम बताए हैं, और इस ईबुक की मदद से आप अपने सारे एफर्मेशंस केवल 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। ईबुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।